मामा सो गई, वरना जेजी ने अंदर खेलते रहना था। अब जिसके अंदर ना ये इतना मोटा लगा हुआ था, जरा छोटे से काम अभी नहाओगी और डेली मेरी बात तो सुनिया करोगी। इतनी जल्दी कैसे उठ गया? फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मतलब अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है फ्रेंड यहाँ पे। मैं पहले तो उठी, फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। देन मामा को क्या हो रहा था बता दें। हाँ हाँ हो रहा था, पर रोज ही रोज ही मुझे कुछ ना कुछ हुआ ही था। हाँ मामा तो फ्रेंड इस घर में आके क्या मतलब, फ्रेंड मामा तो इस घर में जब से आई है ना पता नहीं क्या हो गया, ये घर नहीं सही क्या सीन है। एनीवेज फ्रेंड इस बात को स्किप करते हैं और दूसरी बात की तरफ आते हैं। मैं खा रही हूँ दही एंड पराठा, एंड आप सोचेंगे दही एंड पराठा खा रही है, ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है, ये आगे आपने मुझे नहीं खाते देखा होगा कभी भी आई फील। सो फ्रेंड सीन ये हैं कि ये एक तो इतनी मोटी कुर्ती, इसके नीचे मैंने हाई नेक पहनी हुई थी आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग्स में। एंड ये ना मैं आपको अगर दिखा सकूँ, कैसे दिखाऊँ, ये देखिए फ्रेंड इसके अंदर ना ये इतना मोटा लगा हुआ था, तो ये मुझे पता नहीं स्किन पे क्या हो गया था। और वो कुछ मैंने बाद में ये भी सोचा कि गर्म ही खाए जा रहे हैं हम, देसी घी के पराठे और चाय, चाय भी गर्म, अंडे भी गर्म और वॉलनट्स एंड ये ड्राई फ्रूट्स भी गर्म, और मेरा नहीं हाल हम इसके अलावा कुछ खा रहे हैं। अम्मा दिन रात हमारे पराठे एंड अंडे होते हैं क्योंकि हमारा फेवरेट मील होता है ये। सो डिनर में भी ये, ब्रेकफास्ट में भी ये। सो इसलिए मुझे ना बॉडी पे थोड़े से ऐसे दाने टाइप गर्मी थी, लेफ्ट किडनी में भी सुबह बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी और मैंने इलायची नहीं खाई। पर चलो दही ठंडा ना, दही में थोड़ा सा पानी या दूध ऐड कर, फिर फ्रेंड्स तो फिर तो बिल्कुल ही मैं नहीं खा पाऊँगी दही। मुझे पराठे के साथ दूध अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे कोई ठंडा ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैंने कहा पराठा, आटा भी थोड़ा बच रहा था और मैंने कहा ब्रेड, ये पता नहीं फ्रेंड मुझे समझ नहीं आई थी। पर अब दही और पराठा खाते हैं एंड होपफुली कि जो मेरे क्या बने हैं, मुझे आप क्या कह रही हैं, बम्प्स बने हैं वो सही हो जाएंगे। एंड कोई इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं ज़रा दो तीन जगह पे ऐसे हुआ, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लेती हूँ। और फिर भी फ्रेंड ये इतनी ज़्यादा मुझे, ये वाली मैंने नीचे वाली जो पहनी है रात को मैंने पहन ली थी और ये बहुत ही ज़्यादा पतली थी, तो मुझे सुबह ज़्यादा सी सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं उठ नहीं रही थी। फिर उठते ही मैंने ये वाली पहन ली, पर फिर ना बन जाए, लेट्स सी फ्रेंड्स। एनीवेज यहाँ सबसे पहले है जी योगर्ट और यहाँ पे है जी पराठा एंड ऊपर है मामा का, यहाँ पे है मामा की मजेदार किस्म की चाय, जो कि मैंने मामा को छोटे मग में दे दिया, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई थी कि मामा ने मुझे कहा है मुझे वो स्टील वाले बड़े मग में देना, आप पाए मामा वो समझ रहे हो जिसमें पानी नहीं पीते, स्टील का बड़ा मग उसको भी मग ही कहते हैं, थर्मस मग में देना। तो मुझे याद सुनाई नहीं दिया, बल्कि याद तो दूर की बात थी। यहाँ पे हम नहाई नहीं हुई थी और तुम्हारे कान जो है वो साफ नहीं थे, इसलिए जिस दिन तुम नहाओ उस दिन तुम्हारे कान साफ। फ्रेंड्स मैं तो खुद ही अपना बकवास पॉइंट दे बैठी, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे नहाओगी और डेली मेरी बात तो सुनिया करोगी प्लीज। अम्मा क्या गरम चाय को हल्का था फ्रेंड, इसका मतलब गरम जदी आप कंगड़ाइयाँ ले रहे हैं हम। व्हाट हैपेंड, माओ कह रहा डाल दो कप की ग्लास ले आई है मेरी बहन, मुझे पानी डाल दो। जदी इतनी जल्दी कैसे उठ गया? क्योंकि आमना ने छोड़ डाला, आमना ने तो वैसे नहीं छोड़ डाला, आमना तो आज आराम से पराठे पकाए, उसके फ्रेंड ने आके दरवाजा खटकाया और फिर मैंने कहा जी जी सोया और साथ ही जेजी उठ के बैठ गया। हैं जेजी मामा सो गई हैं क्योंकि मामा को बुखार बुखार जैसा लग रहा था। एंड यहाँ पे मैंने साई सफाई कर दी है फाइनली, एंड ये देख सकते हैं आप बाहर जो आज मैंने चूल्हा साफ़ किया ना वो मैं आपको दिखाऊं, आज तो ना मैंने कमाल ही कर दी है, ये देख सकते हैं आप चूल्हा क्या मैंने चमकाया है एंड बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन बर्तन रह गए हैं क्योंकि मामा सो गई, वरना जेजी ने अंदर खेलते रहना था। अब जेजी जो है ना मेरे पीछे बाहर आ रहा बार बार, तो अब मुझे बर्तन
ये नहीं रह गए हैं। अब बर्तन धो, वैसे मैं इसको स्टोर में भी डाल सकती थी, लेकिन जितना शोर इसने यहाँ पे डाला हुआ था ना कि ये मुझे नीचे उतरने, नीचे यहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा था, तो स्टॉलर में तो इसे पता नहीं क्या करना। अभी इसके लिए खाने के लिए बिस्किट एंड ऑल दीज थिंग्स भी नहीं है। अभी मामा और जाए मंगवाते हैं। गुआवा है था पर ये गुआवा खाता नहीं है। यहाँ पे अपना साजो सामान निकाल लिया। जेजी ने इसके साथ खेलना कोई नहीं है ना, क्या पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ पे सीन ये हैं कि मैंने धो लिए हैं बर्तन फाइनली, एंड मैंने शर्ट चेंज कर ली क्योंकि मैं गई थी ज़रा छोटे से काम एंड छोटा सा काम अभी तक नहीं हुआ, हो गया उसे तो काम, लेकिन कुछ नहीं फ्रेंड्स आप नहीं समझेंगे क्या कहती हूँ, क्यों समझाने की कोशिश करती हूँ। मामा यहाँ पे सो के उठ चुकी हैं एंड मामा की तबीयत हाल हाल पूछते हैं। हेलो जी, हेलो जी, आपकी तबीयत कैसी है, आपको कैसा लग रहा है? आप वैसे ना देखें मेरी तरफ ऊपर करके आंखें, आप ना बड़ी डरावनी लग रही हैं वीडियो में। जेजी इज हैविंग हिज मिल्क एंड ये और मेरी वही खराब बाजू पे चढ़ा हुआ है। अम्मा कुछ तो बोलो। मेरे बेटे की जो है ना खूबसूरत शक्ल ही काफी है ना, अभी कुछ बोलो लोग देखेंगे। और ये उंगली देखो कान में। चेक करता रहता मजे लेता, कभी ये वाली उंगली कभी ये वाली। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मेरी उंगली भी चेक करता है, लेकिन इसको मेरी उंगली पहचान नहीं आती और इसको पता चल जाता है कि ये माँ की उंगली नहीं, ये बहन की उंगली है। ऐसा वैसा बच्चा नहीं है वो। और मैं एक आगे एग्जांपल, आगे मैं एक बात बोलने वाली थी लेकिन आपको ये नहीं कहनी। जस्ट लाइक मी। ओके, आप अपना बुखार बता रही हैं और क्या है आपको बुखार के अलावा? Temperature is too much. अम्मा एक ही चीज को 5-6 बार नहीं बताना, एक ही ज्यादा तो बताऊंगी तो पता लगेगा ना ज्यादा बुखार है। होय, such a bad example. Heartbeat is very fast. Okay. मामा की फ्रेंड फ्रेंड हमने मामा की फ्रेंड, मैं आपको ना आज से सोची फ्रेंड्स ना बोलूं, कुछ और बोलूं तो मैंने क्या बोलूं अम्मा? गेस्ट और मामा की हालत कितनी खराब है, गेस्ट आ रहे हैं, मामा की फ्रेंड आ रही है, उनको जरा उनका ध्यान इधर उधर करने के, उनका बुखार जो है ना कम हो जाए, जैसे बच्चों को खांसी के लिए करते हैं ना खुरे खुरे बच्चों का ध्यान इधर। फ्रेंड क्या कह रही है एनीवेज, और मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा चाय पीने को, लेकिन जो शानदा एकदम से मुझे मिला इसलिए मेरा दिल चाह रहा चाय पीने को, मेरा गला शला कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आई लव जो शानदा यू गाइस नो। एंड मामा की फ्रेंड आएंगी तो मैं सोची क्यों मैं दो दो बार चाय बनाऊँ उनके साथ ही बनाऊंगी, अपनी भी बना लूंगी। फिर फ्रेंड्स जब मैं ऐसा सोच लेती ना फिर बोला क्या होता था मेरे साथ, चाय खुद ही काम बन जाती है, फिर मुझे अपने लिए बाद में बनानी पड़ती है जब मैं ऐसे सुस्तियां कर रही होती। लेकिन लेट्स सी आज मेरी चाय काम होती है कि मेरी उन्हीं के साथ चाय बन जाती है, लेट्स सी। एंड कुछ चाय के साथ यू वाना हैव नथिंग? मामा कह रही है पराठे भी ऑलरेडी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। चाय पी ली थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मेरी हालत को इग्नोर करें क्योंकि बस मैं वीडियो एडिट कर रही थी लेट के, एंड मुझे याद आया कि मैंने आउट्रो नहीं किया। तो ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।